तो पहले मैं यहाँ पे अपना मेकअप कर लेती हूँ। तो मेकअप के लिए मैंने सबसे पहले अपने स्किन को मॉइस्चराइज किया पॉन्ड्स की क्रीम से। तो सबसे पहले अपने आप जब भी मेकअप स्टार्ट करते हो मेरे बालों में देख रहा बहुत ज़्यादा ऑयल लगा हुआ है, तो मैं यहाँ पे मतलब मुझे बस ये मेकअप रात को करके बस सिर्फ आप लोग को सिखाने के लिए मैंने किया है, बाकी इसको उतार देना है अभी वॉश करके। तो जब भी आप मेकअप स्टार्ट करते हो लंबे टाइम रखने के लिए तो आपको स्किन को अच्छे से मॉइस्चराइजिंग क्लीनिंग करना है। पहले आप क्लींजिंग मिल्क से अच्छे से फेस को साफ़ कीजिए, उसके बाद मॉइस्चराइजिंग कीजिए, उसके बाद से टोनर लगाइए, उसके बाद आपको स्किन पे मसाज क्रीम लगाना है और उसके बाद से आपको मेकअप स्टार्ट करनी है। ओके, तो यहाँ पे मैंने मसाज क्रीम मतलब स्किन मॉइस्चराइजर के लिए पॉन्ड्स का क्रीम लगाया है, उसके बाद से मैंने मैक का फाउंडेशन अप्लाई किया फेस पे, उसके बाद से मैं डायरेक्टली अपने आईब्रो को फिल करने के लिए आई शेडो पैलेट में से ब्लैक कलर का आई शेडो लेके अपने आई शेडो पे आईब्रो पे लगा लूँगी। और कुछ इस तरीके से उसके बाद से मैं यहाँ पे ब्लू है उनका कंसीलर लेके अपने आई बेस को रेडी करूँगी। आई बेस बनाने के बाद से इसको मैं ब्लेंड करने के लिए अपने हाथों का ही फिंगर का ही यूज करूँगी। मैक का मैंने यहाँ पे फाउंडेशन लिया था उसको मैंने अपने पूरे फेस पे लगाया, उसके बाद से आईब्रो को फिल किया, उसके बाद से अपने आई बेस के लिए मैं ब्लू हेवन का कंसीलर लगाया। आप कोई भी बच्चे अच्छे ब्रांड का ले सकते हो। उसके बाद से लैक्मे 9255 की कॉम्पैक्ट पाउडर से अपने आई बेस को सेट कर लूँगी। अक्सर मूवी में हॉरर फिल्म में या फिर सीरियल्स में कई बार इस तरीके के लुक की ज़रूरत पड़ जाती है, तो मैं आपको अपने चैनल पर बहुत सारी अलग अलग डिफरेंट टाइप्स की लुक के वीडियोज सिखाते रहती हूँ मेरे ऑनलाइन ब्यूटी पार्लर कोर्स में। तो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगी मेरे चैनल के साथ जुड़ने के बाद से, तो आप खुद भी जुड़िए और भी लोगों को जिसको भी पार्लर का कोर्स सीखना हो। सिंपल मेकअप से लेके हॉरर मूवी तक के मेकअप का वीडियो मैं अपने चैनल पे बताती हूँ। ओके, ऑल ब्यूटी पार्लर कोर्स से रिलेटिव ऑल चीज़ें बताती हूँ अपने चैनल पर, तो प्लीज़ सपोर्टिंग मी गाइस। तो मैंने यहाँ पे सबसे पहले मैंने डार्क पिंक कलर का आई शेडो लेके अपने क्रीज एरिया पे अप्लाई किया है, फिर उसके बाद से डार्क ब्राउन कलर का आई शेडो लेके अपने आउटर कॉर्नर पे अप्लाई किया है कुछ इस तरीके से। उसके बाद मैं कंसीलर को दोबारा लेके कट क्रीज बना लूँगी कुछ इस तरीके से। उसके बाद से ऑरेंज कलर को अपने आई लिड पे और फ्रंट कॉर्नर पे इनर कॉर्नर पे इस तरीके से अप्लाई कर लूँगी। दोनों आईज पे सेम इसी तरीके से मेकअप करना है। ओके, उसके बाद से मैं यहाँ पे थोड़ा सा अपने डार्क आई शेडो को जैसे कि ब्लैक कलर का जो आई शेडो है उसको थोड़ा सा और डार्क कर लेंगे और थोड़ा सा लिड आई लिड तक पहुँचाएँगे। उसके बाद से मैं यहाँ पे आई लेसेज लगा लूँगी। थोड़ा सा मैंने अपने आईब्रोज के नीचे हाइलाइटर यूज किया है, हाइलाइटर है वेट एंड वाइल्ड का, बहुत ही अच्छा हाइलाइटर है। उसके बाद वेट एंड वाइल्ड का ही मस्कारा लेके मैंने अपने मस्कारा लेके अपने आईलेस को कर्ल कर लूँगी। उसके बाद से आर्टिफिशियल आईलेस लेके अप्लाई कर लेंगे। वीडियो बहुत लंबी थी बट मैंने इसको कट कर करके शॉर्ट किया। अगर आपको पूरा फाइनली एकदम देखना होगा तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइएगा, तो मैं एकदम आराम से भी आपको समझा दूँगी। तो इस तरीके का आई मेकअप लुक आया है। उसके बाद लैक्मे 9255 का आई लाइनर लिया है और इस तरीके से अप्लाई कर दूँगी। और जो आपने क्रीज एरिया पे डार्क पिंक कलर का आई शेडो लगाया था उसको जस्ट लो वाटर लाइन पे भी अप्लाई करना है, जहाँ पे आप काजल लगाते हो उसके जस्ट नीचे। ओके, फिर उसके बाद मैं फेस मेकअप यहाँ पे नहीं बता रही हूँ, फेस मेकअप मैं नेक्स्ट टाइम बताऊँगी। कॉन्टोरिंग वगैरह सब बताने वाली हूँ अपने चैनल पे, तो जुड़े रहिएगा मेरे साथ। 3D HD मेकअप, सिंपल मेकअप, नॉर्मल मेकअप, हाई क्वालिटी का मेकअप सब कुछ लेकर आऊँगी अपने चैनल पे। तो मैंने यहाँ पे कॉम्पैक्ट पाउडर से सेट कर लिया, उसके बाद थोड़ा सा गालों पे ब्लश दे दिया है, नोज पे हाइलाइटर लगा दूँगी, बस इतना ही है, और लिपस्टिक। ओके, तो कुछ इस तरीके से हाइलाइटर नोज पे लगा दिया, चिक्स पे लगा देंगे, चिक बोन्स पे हाइलाइटर, अपर लिप्स पे, ठोड़ी पे,
और टीजन एरिया पे, फोरहेड पे। ओके, उसके बाद से डार्क मैरून कलर का लिपस्टिक मैं यहाँ पे अप्लाई करूँगी। ये सब लुक मतलब बोल्ड लुक में ही आता है, तो आप डार्क कलर की लिपस्टिक यहाँ पे लगा सकते हो। और आई मेकअप भी कुछ और डार्क करना हो तो आप कर सकते हो, अगर आपको सीरियल वगैरह में करना हो इस तरीके से तो। ओके, तो ये मैंने अमेजोन से मंगाया था कैप, तो इसको इस तरीके से पहनना है। बट ये थोड़ा सा मुझे छोटा आ रहा था, तो मैं इसको टेप ले रखा है मैंने स्किन कलर का, उससे पूरा अच्छे से कवर कर दूँगी और सेट कर लूँगी इसको, तो इस तरीके से। ओके, पूरा अच्छे से सेट कर देना है और पूरा फाइनल लुक मैं एंड में दिखा दूँगी वीडियो के। इस तरीके से पूरा हेयर एकदम ढक जाना चाहिए, बिल्कुल भी हेयर दिखना नहीं चाहिए, ऐसे लगना चाहिए कि आपने हेड सेव करा रखी है। ओके, एकदम हेड सेव लुक ही है ये, हेड सेव लुक। तो इस तरीके से छोटे छोटे पार्ट्स लेके टेप के चिपका लेना है अच्छे से। और फिर फोरहेड के पास से थोड़ा सा दिक्कत हो रहा था क्योंकि कैप का स्किन का कलर मैच नहीं हो रहा था, तो मैंने यहाँ पे फोरहेड पे भी टेप चिपकाया हुआ है। फाइनल लुक देखने के लिए वीडियो एंड तक देखते रहिए गाइस। जो भी चीज़ डाउट हो तो उसको आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, मैं अच्छे से बता दूँगी आपको। मेरी बेबी घूम रही थी, बोल रही थी मामा मुझे भी कर दो, मुझे भी कर दो। पीछे घड़ी भी दिख रही होगी आपको, 7 बज रहा है अभी शाम के। तो अच्छे से फिनिशिंग आप चिपका लीजिएगा, आप किसी और की हेल्प ले लोगे तो बहुत अच्छे से हो जाएगा ये, मैंने लेकिन यहाँ पे खुद ही किया है। थोड़ा सा इसको चिपकाने में टाइम लग रहा है क्योंकि खुद से कर रहे हैं, किसी की हेल्प लोगे तो बहुत अच्छे से हो जाएगा। और अगर हेयर कट की वीडियो आपको आई बटन पे मिल जाएगी, और बहुत सारी हेयर कट की वीडियो है, ऑनलाइन ब्यूटी पार्लर कोर्स से रिलेटिव बहुत सारी वीडियोज हैं, तो ज़रूर चेक कीजिएगा। और प्लीज़ सपोर्टिंग में गाइस, और भी कुछ आपको देखना हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताना, मैं आपको ज़रूर वीडियो बना के अच्छे से समझाने की कोशिश करूँगी। और आपका जो भी क्वेश्चन होता है मैं लाइव आती हूँ रात को 8:30 बजे या फिर दिन में 12 से 1 बजे के करीब में, तो आप उस टाइम मुझसे क्वेश्चन कर सकते हो। तो इस तरीके से मैंने चिपकाया है, टेप को अच्छे से कवर करेंगे बालों को। और जस्ट मैंने जिसको भी हेयर से रिलेटिव प्रॉब्लम है, जैसे हेयर फॉल हो रहा है, गंजापन आ रहा है, रूसी है, दो मुँह में बाल हैं, बालों में शाइनिंग नहीं है, बाल की ग्रोथ रुक गई है, उसके लिए मैंने हेयर सीरम बनाया था, DIY हेयर सीरम। आपके घर में ये चीज़ें होंगी, आप उससे अपना हेयर सीरम बना के अपने बालों पर अप्लाई कर सकते हैं, बहुत तेज़ी से आपके बाल बढ़ने लग जाएंगे और बालों की ऑल प्रॉब्लम्स ख़त्म हो जाएंगी। तो आप ज़रूर वाली वीडियो चेक कर लीजिएगा। और स्किन के लिए भी एक हेयर फेस सीरम बनाया था, जैसे स्किन पर एंटी एजिंग हो, डार्क स्पॉट्स हो और रिंकल्स हो, फाइन लाइन्स हो, इन सबको, डार्क सर्कल हो, तो सबके लिए बताया हुआ है। तो आप उसको जो स्किन मतलब डैमेज हो जाती है उसको रिपेयर करता है ये वाला फेस सीरम, तो आप वो भी देख के और ट्राई ज़रूर कीजिएगा गाइस। और कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपको फ़ायदा हुआ या नहीं, ताकि मैं और भी अच्छी अच्छी टिप्स आप लोग के लिए लेकर आ पाऊँ। तो इस तरीके से मैंने कुछ चिपकाया था इसको, खुद से करना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है, बट आई विल ट्राई आप लोग के लिए, ताकि आप लोग को हेल्प मिले, आप पार्लर का कोर्स घर पे बैठ के सीख पाएँ, वो भी हाई क्वालिटी के पार्लर्स के कोर्स, हॉरर्स मूवी में, सीरियल्स में इस तरीके से मेकअप किया जाता है और इस तरीके की लुक्स बनाई जाती हैं। मैंने पहले भी लायन लुक, टब्बज वाली जो डॉल होती है उसका लुक, और अलग अलग टाइप्स की लुक बनाई हुई है, चीता का लुक, ये सब मेकअप करके मैंने दिखाया हुआ है, तो आप जरूर चेक कर लेना वो सारी वीडियोज़ भी। और गर्ल टू बॉयज़ ट्रांसफॉर्मेशन मेकअप लुक, बहुत सारी चीज़ें दिखाई हुई हैं, प्लीज़ चेक कीजिएगा। डैमेज फेस लुक, हाफ़ यंग एंड हाफ ओल्ड वुमेन का लुक बताया हुआ है, ये मेरा फाइनल लुक। कैसा लगा आप लोग को ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब
और तो ये था मेरा लाइक एंड प्रेस जरूर कीजिएगा ताकि मेरी नई अच्छी लगी और थोड़ी सी भी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और भी इस तरीके की वीडियोज देखने के लिए, और बेल आइकन पर प्रेस जरूर कीजिएगा ताकि मेरी नोटिफिकेशन वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए और सबसे पहले आप मेरा वीडियो देख पाएँ। तो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग, लव यू गाइज, अपना ध्यान रखें, मुझे ऐसे सपोर्ट करते हैं वो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएगा कि कैसा लगा आप लोग को मेरा ये वीडियो, और भी इस तरीके की वीडियो देखनी हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट, लव यू ऑल।